दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, लूजर, एवरेज एंड सक्सेसफुल। लॉकडाउन के लास्ट 10 दिन की एक्टिविटी से आपको पता लग सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको वाकई जानने हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीके जगदीश, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पैशन ट्रेनर एंड द मेंबर ऑफ इंडियन ट्रेनर्स एसोसिएशन। दोस्तों, इस लॉकडाउन पे आप क्या कर रहे हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर टीवी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक में वीडियो देख रहे हैं, वो दिन भर अपने मोबाइल पे लगे हैं। यही वो लोग हैं जो हिंदू एंड मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कमेंट पास करके इंडिया का एनवायरनमेंट खराब कर रहा है। यही वो लोग हैं जो दिन भर टीवी तो देखते हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को ये लोग मजाक बना के रखे हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो आप एक लूजर हो। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सुबह शाम न्यूज़ चैनल देखते हैं, खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। यही वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बोर होते हैं। बोर होने के बाद ये लोग एक दो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और देखने के बाद सोचते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसा कुछ क्या नया किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये लोग सिर्फ सोचते हैं, कोई भी कदम नहीं उठाते, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। ये लोग खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। यही वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के डिसीशन के ऊपर उंगली करते हैं। इन लोगों के पास ही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कौन से सेलिब्रिटी ने कितना डोनेशन दिया, शाहरुख खान ने कितना दिया, अक्षय कुमार ने कितना दिया। और यही लोग सोचते हैं कि ऋतिक रोशन ने क्यों डोनेशन नहीं दिया, और यही बात सोच के अपना मन भी खराब कर लेते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो आप एक एवरेज इंसान हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे आते हैं वो लोग जो या तो सक्सेसफुल है या तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बनने जा रहे हैं। इन लोगों को अपनी गोल का एक क्रिस्टल इमेज पता है, इन लोगों को अपना डायरेक्शन पता है, जिस डायरेक्शन में जाने से इन लोगों को सक्सेस मिलेंगे। ये लोग सक्सेसफुल होने के लिए कौन से नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होते हैं ये सब ढूंढते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेस लेते हैं, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हैं, बुक पढ़ते हैं, अपने मेंटर से बात करते हैं। इन लोगों के लिए लॉकडाउन एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। अभी मेरा सवाल ये है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो? अभी आप वीडियो को यहाँ पे कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए और सोचिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो आज खुद को पूछो कि व्हाई यू आर नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज योर लिविंग पर्पस। अगर कहीं से आपको ये पता चल जाता है तो कोई भी लॉकडाउन आपको सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकता। तीन डिफरेंस बोलता हूँ आपको तीनों कैटेगरी का। जो लूजर होते हैं वो अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने मनी को भी। जो लोग एवरेज होते हैं वो अपने मनी को तो सेव कर लेते हैं लेकिन टाइम को वेस्ट ही करते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और मनी को इनक्रीज करते हैं। वो लोग मौका ढूंढते हैं खुद की स्किल को डेवलप करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे तैसे आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लीजिए और ये लॉकडाउन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। तो जाते वक्त मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि बनाओ ऐसे कुछ एम्बिशन जिसमें हो आपका पैशन। अगर इस वीडियो को काम का लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए।